हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का पार्ट 5, जिसमें हम आपको बताएंगे पेप्सिन के बारे में। मींस ये जो पेप्सिन है ये क्या होता है, क्या इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, मींस ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है ये पेप्सिन, और क्या इसकी केमिस्ट्री है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेप्सिन और उसके यूजेस के बारे में। साथ ही साथ ये पेप्सिन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में। तो ये जो पेप्सिन है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज सिक्रेटेड इन द स्टमक बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये जो एंजाइम है, ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है मींस पेप्सिन, ये क्या करता है, ये हमारे फूड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अब्सॉर्ब होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पेप्सिन। जैसा कि हमने आपको बताया, ये पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मींस ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, लाइसिस करता है, मींस ब्रेक डाउन करता है। मींस प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, मींस डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो कि क्या होते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है ये पेप्सिन, और इसी कारण से इसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, कह सकते हैं ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द स्टमक ऑफ वेरियस एनिमल्स लाइक पिग, जिसका बायोलॉजिकल नेम है सुस्क्रोपा फ्रॉम द फैमिली सुई, एंड शीप ऑविस एरी फ्रॉम द फैमिली बोविडी। मीन्स इस पेप्सिन को प्रिपेयर किया जाता है, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द वेरियस एनिमल्स, स्पेशली पिग हो गया, शीप हो गया, उसके स्टमक लाइनिंग से। मीन्स हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है, जो एनिमल्स की स्टमक लाइनिंग होती है, तो क्या होता है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं, जैसे कि उस ग्लैंड्स के जो पैराइटल सेल होता है वो पैराइटल सेल क्या सिक्रेट करता है, एक्सियल सिक्रेट करता है, और उसमें जो है म्यूकस सेल होता है जो कि म्यूसिन सिक्रेट करता है, और उसमें प्रेजेंट होता है चीफ सेल, और यही चीफ सेल क्या सिक्रेट करता है, पेप्सिनोजन सिक्रेट करता है, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल ये एक्टिव फॉर्म मींस पेप्सिन में ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है। तो इस स्टमक लाइनिंग की चीफ सेल से जो पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है वही पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो यह हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पेप्सिन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री ऑफ पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन है इट इज एन एंडोपेप्टाइडेस एंजाइम। एंडोपेप्टाइडेस एंजाइम मतलब क्या होता है, पेप्टाइडेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेप्टाइडेस मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मींस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को हम पेप्टाइडेस बोलते हैं, और एंडोपेप्टाइडेस मतलब क्या हुआ, जो प्रोटीन चेन होता है, मींस प्रोटीन चेन में आप देख सकते हैं जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, बाय द पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और यही जो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो जो प्रोटीन चेन के जो इंटरनल जो पेप्टाइड बॉन्ड है, मींस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो अंदर में जो इंटरनल साइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको ये पेप्सिन जो है ब्रेक करता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है, इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स की, ना कि जो टर्मिनल, टर्मिनल मतलब कि जो उस प्रोटीन चेन के एंड के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक नहीं करता है, इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है ये पेप्सिन, इसी कारण से ये एंडोपेप्टाइडेस एंजाइम की कैटेगरी के अंदर आता है, और ये प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस मींस प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू द स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। आप देख सकते हैं इसको स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में इसको कन्वर्ट किया आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इट डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन बाइंड्स विद द प्रोटीन चेन एंड ब्रेक्स अप इनटू द स्मॉल पीसेस। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन एस्पार्टिक प्रोटीएस या एस्पार्टिक प्रोटीनेस, इसको हम एस्पार्टिक प्रोटीएस या एस्पार्टिक प्रोटीनेस भी बोलते हैं। प्रोटीनेस क्या हुआ, प्रोटीनेस मतलब कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मींस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को प्रोटीनेस भी बोलते हैं, पेप्टाइडेस भी बोला जाता है। और ये एस्पार्टिक प्रोटीनेस है या एस्पार्टिक प्रोटीएस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम के जो एक्टिव साइट होता है उस एक्टिव साइट में एस्पार्टेट, एस्पार्टेट जो कि क्या है, जो कि अमीनो एसिड है, तो इस एंजाइम के एक्टिव साइट में एस्पार्टेट होता है, इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक प्रोटीनेस बोलते हैं। और ये जो पेप्सिन है ये एसिडिक प्रोटीएस होता है, मतलब कि ये जो पेप्सिन है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एसिडिक एनवायरमेंट में ये अपना फंक्शन शो करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है पेप्सिन क्लीव्स द प्रोटीन प्रिफरेंशियली, या कह सकते हैं सिलेक्टिवली टारगेटिंग द पेप्टाइड बॉन्ड दैट कंटेन एरोमेटिक अमीनो एसिड सच एज फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, बट डज नॉट क्लीव द बॉन्ड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स लाइक वैलिन और एलिन।
मतलब कि वैसे तो ये जो पेप्सिन है सभी टाइप के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, बट ये पेप्सिन प्रिफरेंशियली या कह सकते हैं सिलेक्टिवली उस पेप्टाइड बॉन्ड को टारगेट करता है जो कि जिससे एरोमेटिक अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, और अदर अमीनो एसिड जैसे कि वैलिन हो गया या एलिन हो गया, तो इन ये जो अमीनो एसिड जिस पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उसको ब्रेक नहीं करता। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सिनोजन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था स्टमक लाइनिंग का जो चीफ सेल होता है उससे पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है, और ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव एंजाइम है। मीन्स कोई भी इनएक्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन बोलते हैं या प्रो एंजाइम बोला जाता है। तो पेप्सिनोजन इसे प्रो एंजाइम या कह सकते हैं जाइमोजन होता है, और ये जो पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, तो जब एक्सियल सिक्रीट होता है फ्रॉम द पैराइटल सेल तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट में ये जो पेप्सिनोजन है फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मींस पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पेप्सिन है ये पेप्सिन डायरेक्टली जो है चीफ सेल से सिक्रीट क्यों नहीं होता है, मींस डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पेप्सिन की क्या होती है स्ट्रॉन्ग प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से अगर ये पेप्सिन जो है डायरेक्टली अगर सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा, पेप्सिन जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी की वजह से ये क्या करेगा ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। ऑटो डाइजेशन मतलब कि ये क्या करेगा जो स्टमक लाइनिंग है, स्टमक लाइनिंग की जो प्रोटेक्टिव जो प्रोटीन्स है तो उसको क्या करेगा उसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा, उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा जिससे अल्सर या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसी कारण से नेचुरली क्या होता है जो ये चीफ सेल होते हैं इससे पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है, और जब हम फूड लेते हैं और उस फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए चीफ सेल से पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है और पैराइटल सेल से एचसीएल सिक्रेट होता है, और जिससे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में फिर पेप्सिनोजन जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मींस पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया। तो किस तरीके से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये जो पेप्सिनोजन है ये किस तरीके से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो पेप्सिनोजन क्या है ये एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ये पेप्सिनोजन का जो प्रोटीन चेन होता है उस प्रोटीन चेन में कुछ जो सेगमेंट होते हैं, कुछ जो पेप्टाइड सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं इनहिबिटरी सेगमेंट होते हैं, जो क्या करते हैं जो कि पेप्सिनोजन की एक्टिव साइट को कवर कर देते हैं। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में मतलब कि एचसीएल के प्रेजेंस में उस इनहिबिटरी सेगमेंट का हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो अलग हो जाता है पेप्सिनोजन से। जैसे आप यहां देख सकते हैं ये जो है पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और उस पेप्सिनोजन में जो इनहिबिटरी जो पेप्टाइड था वो अलग हो गया, हमने यहाँ पे लिखा है अमीनो एसिड सेगमेंट ऑफ प्रोटीन, वो अलग हो गया और ये पेप्सिनोजन किस में एक्टिवेट हो गया, पेप्सिन में एक्टिवेट हो गया। और ये पेप्सिन क्योंकि इसकी प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी होती है इसी कारण से ये जो है ये क्या करेगा ये ऑटो कैटालिसिस करेगा, मतलब कि और भी अदर जो पेप्सिनोजन है उस पेप्सिनोजन के इनहिबिटरी जो सेगमेंट है इनहिबिटरी जो पेप्टाइड है उसकी हाइड्रोलिसिस करके उसको अलग करेगा और जितने भी पेप्सिनोजन है उसको एक्टिव फॉर्म मतलब कि पेप्सिन में उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया कि किस तरीके से ये जो पेप्सिनोजन है एक्टिवेट होता है इनटू द पेप्सिन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन है ये बफ कलर का, लाइट बफ कलर का या वाइट कलर का या पेल येलो कलर का होता है, वेरी फैंट ऑर्डर होता है या तो ऑर्डरलेस होता है या तो स्लाइटली मिटी ऑर्डर होता है, एमॉर्फस नेचर का होता है, एमॉर्फस पाउडर या ट्रांसलूसेंट ग्रेन होता है विथ लिटिल एसिडिक या सलाइन टेस्ट या तो कह सकते हैं स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है इस पेप्सिन का। और ये पेप्सिन इसकी जो मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एसिडिक प्रोटीज होता है तो इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है एसिडिक पीएच पे होता है, तो इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी किसमें होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना 37 से 42 डिग्री सेल्सियस में अपनी ये इस टेम्परेचर रेंज में ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। और पीएच ऑप्टिमम पीएच क्या है एसिडिक पीएच 1.8 से 3.5 मींस अप्रोक्सीमेटली 1.8 से 2 जो हमें ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच रेंज जो है वो है 1.5 से 3.5 इसमें अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है ये। और रिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड एट पीएच 5 मतलब कि ये जो एंजाइम है ये पेप्सिन जो है ये पीएच 5 पे इनएक्टिवेट हो जाता है रिवर्सिबली, मतलब कि इस एंजाइम को अगर वापस से एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर रख देते हैं तो वापस से क्या हो जाएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी कारण से क्या लिखा हुआ है रिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड एट पीएच 5।
इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड एट पीएच 7-8, मतलब कि ये जो एंजाइम है ये एवो पीएच 6 ही क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और 7 से लेके 8 रेंज में पीएच में ये इरिवर्सिबली क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। डीनेचर एट द टेम्परेचर एवो 65 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसका कम्प्लीटली नेचर जो है चेंज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है एवो द 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, मीन्स ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन को वो सॉल्युबल पेप्टोन्स में, सॉल्युबल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पेप्टोन्स बोलते हैं, जिससे वो इजिली जो है इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब हो जाए। के बाद ये जो पेप्सिन है ये मॉलिकुलर वेट क्या होता है इसका, 34.5 डेल्टॉन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने आपके पॉइंट लिखा हुआ है देयर आर 4 रिपोर्टेड पेप्सिन प्रोटीन, जैसे कि पेप्सिन ए, पेप्सिन बी जिसको हम पैरा पेप्सिन 1 बोलते हैं, पेप्सिन सी इसको गैस्ट्रिसिन बोला जाता है, और पेप्सिन डी, दिस आर द 4 पेप्सिन फॉर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ पेप्सिन, तो ये जो पेप्सिन है इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि इनडाइजेशन अगर हो गया है तो इनडाइजेशन को, अपच को ठीक करने के लिए इस पेप्सिन को यूज करते हैं। मीन्स ये क्यों होता है, इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब कि जो स्टमक लाइनिंग से जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं जिसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसमें पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशन की अगर डेफिशिएंसी हो गई है, गैस्ट्रिक जूस जो है प्रॉपर अमाउंट में अगर हमारे जो स्टमक से सिक्रीट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से इनडाइजेशन हो जाता है, तो क्या किया जाता है, इस पेप्सिन को यूज करते हैं उस इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए। इसी कारण से डिफरेंट फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है मार्केट में, जो डाइजेस्टिव सिरप के फॉर्म में इस पेप्सिन को दिया जाता है, मींस इस डाइजेस्टिव सिरप में पेप्सिन के अलावा अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लाइव एग्जांपल भी लिया हुआ है डाइजेस्टिव सिरप का, तो आप ये जो देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिरप है, और इस डाइजेस्टिव सिरप में क्या प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, और पेप्सिन के अलावा इसमें कॉम्बिनेशन में और क्या प्रेजेंट है, डायस्टेस प्रेजेंट है। ये डायस्टेस क्या होता है, ये अमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसका ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टमक में, और पेप्सिन जो कि प्रोटोलाइटिक है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टमक में। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिरप का एग्जांपल। तो इस तरीके से ये जो पेप्सिन जो है यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिरप और अदर डाइजेस्टिव एंजाइम के कॉम्बिनेशन में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस है फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन, मींस लैब में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स के एनालिसिस के लिए भी इस पेप्सिन को यूज करते हैं, इस पेप्सिन को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, मिल्क कर्डलिंग के लिए भी यूज करते हैं, और इस पेप्सिन को वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और इसके अलावा इसको यूज किया जाता है इस पेप्सिन को फॉर डिटरमाइनिंग द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द प्रोटीन इन फूड केमिस्ट्री, मीन्स प्रोटीन्स के डाइजेस्टिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम इस पेप्सिन को यूज करते हैं। तो ये हो गया यूजेस ऑफ पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन है ये पेप्सिन लगभग 2500 टाइम्स इट्स वेट, मतलब अपने वेट के 2500 टाइम्स वेट ऑफ एग एल्ब्यूमिन, कोगुलेटेड जो एग एल्ब्यूमिन है उसको डाइजेस्ट करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। तो ये हो गया पेप्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स, उसके यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसकी केमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इस पेप्सिन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेप्सिन के बारे में। बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ पेप्सिन, तो पेप्सिन को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टमक को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एनिमल्स, और फ्रेश स्टमक के जो स्टमक लाइनिंग होती है, जो म्यूकस लाइनिंग या कह सकते हैं जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन होता है उसको कलेक्ट करते हैं। किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, बाय स्ट्रिपिंग मेथड से, मतलब उसको स्ट्रिप आउट किया जाता है या तो उसको स्क्रैप करते हैं, और उसके बाद उसको माइंस किया जाता है। माइंस किया जाता है मतलब कि उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कट कर लिया जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, जो ये माइंस्ड जो स्टमक लाइनिंग है उसको क्या करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है विद वाटर एसिड्यूलेटेड विद HCl, मतलब कि एसिडिफाइड वाटर के साथ उसको डाइजेस्ट करते हैं उस माइंस स्टमक लाइनिंग को। एसिडिफाइड वाटर, यहाँ पे HCl ऐड किया जाता है उस वाटर में,
जिससे क्या होता है, जिससे ऑटोलाइसिस होता है। ऑटोलाइसिस मतलब कि जो स्टमक लाइनिंग्स में जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, जो पेप्सिन है, वो क्या करेगा, वो जो स्टमक लाइनिंग्स में जो प्रोटीन्स हैं उसका ब्रेक डाउन करता है। और ये जो प्रोसेस है ये 37 डिग्री सेल्सियस में मीन्स बॉडी टेम्परेचर पे ये प्रोसेस को किया जाता है, डाइजेशन ऑफ माइंस स्टमक लाइनिंग। और उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है क्लियर लिक्विड जो है हमको ऑप्टेन होता है, वो क्लियर लिक्विड में क्या प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है और पेप्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पेप्टोन्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, मीन्स जो म्यूकस लाइनिंग में जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू द सोल्यूबल प्रोटीन, सोल्यूबल फ्रैगमेंट्स में ये ब्रेक डाउन होता है, उसी को हम पेप्टोन्स बोलते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, इस लिक्विड को फिल्टर आउट कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, NaCl ऐड कर जाता है या तो अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं। और इसको कब तक ऐड करते हैं, इस NaCl या अमोनियम सल्फेट को, जब तक कि वो जो सॉल्यूशन है वो हाफ सैचुरेटेड नहीं हो जाता, तब तक मीन्स हाफ सैचुरेशन तक उस सॉल्ट को ऐड करते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, वो जो पेप्सिन है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है और पेप्टोन जो है सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो वो जो प्रिसिपिटेटेड जो पेप्सिन है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको डायलिसिस की जाती है टू रिमूव द सॉल्ट, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है इन द डायलाइजर टू रिमूव द सॉल्ट, एंड मीन्स सॉल्ट को रिमूव करते हैं बाय डायलिसिस प्रोसेस। और उसके बाद जो पेप्सिन है, जो सॉल्यूशन में जो पेप्सिन जो रह गया है डायलिसिस के बाद, वो पेप्सिन को क्या किया जाता है, किस तरीके से हम प्रिसिपिटेट आउट करते हैं, बाय एडिंग अल्कोहल इनटू इट। उसके बाद जो प्रिसिपिटेटेड पेप्सिन है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको लो टेम्परेचर में ड्राई किया जाता है या उसको वैक्यूम इवेपोरेट किया जाता है टू गेट ड्राइड स्पॉन्जी पेप्सिन। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड ऑफ पेप्सिन। और आज के इस वीडियो का कंटेंट हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बीरेन शाह एंड AK सर से। और हमने पेप्सिन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी अपलोड किया है हमारे चैनल में, मीन्स किस तरीके से ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मीन्स एग एल्ब्यूमिन को डाइजेस्ट करता है, तो उसी का प्रैक्टिकल वीडियो हमने अपलोड किया है हमारे चैनल में। तो उस वीडियो का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।